संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना बहुत बड़ा पुण्य है। रहना भी कम लोग जानते हैं, करना तो बहुत कम जानते हैं। माल भगवान का संतुष्ट ही नहीं कर पा रहे। जैसे मेरा है, मेरी जेब से खर्च हो रहा है, माल भगवान का है या नहीं, संतुष्ट करना सीखे। माताओं का माल भी भगवान का ही है या नहीं, आपका है। माता उत्तर नहीं देती, मजा नहीं आता। कहा या नहीं सब कुछ तेरा, तो उसका माल हो गया या मेरा, उसके माल से सबको संतुष्ट। कई आत्माएं ऐसी होती हैं, पैसा बहुत है, बच्चों को भी खुश नहीं रखते, खुद भी सुखी नहीं रहते। सुख लेना देना पुण्य है, संतुष्ट रहना और करना बहुत बड़ी धारणा है। संतुष्ट वही रह सकते हैं, एक तो नेचर हो संतुष्ट रहने की, दूसरा प्राप्तियों से संपन्न आत्मा ही तृप्त आत्माएं बनती हैं। जबरदस्ती संतुष्ट तो नहीं हो सकते ना, अरे ठीक है नहीं योग लगा संतुष्ट, अमृत वेले नहीं उठे संतुष्ट, होगी होगी संतुष्ट, पुरुषार्थ आज कुछ नहीं हुआ हम तो संतुष्ट है जो मिले रहते, होगी नहीं। सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों से ही आत्मा तृप्त होगी। अब संतुष्ट करना है, पहले तो लक्ष्य रहना चाहिए। दादी की महिमा की ना बाबा कहते क्या कहा, बहुत सहज भाव से खुश करना। यहाँ इसी क्लास में आओ, इसी हॉल में हमारी क्लास होती थी, छोटे लाल को पता से पूछती थी किसको क्या चाहिए बताओ, बिल्कुल घर में जैसे माँ बाप कहते हैं ना, बोलो क्या चाहिए, कुछ खाना है अच्छी चीज, लोग कहेंगे पानी पूरी, हाँ करो तैयार। पूछते थे कुछ चाहिए, कई लोग हाथ उठाते थे, सर चिट्ठी लिख कर दो अभी अभी दादी को, जो जिसको चाहिए मिलेगा, आइसक्रीम ये वो तब नहीं होता था ना सब, अब तो खुला मैदान है, जितना चाहे खा लो। तब तो पानी के थर्मस भी नहीं होते थे हमारे पास, कई लोग अपने कमरे में रात के लिए पानी चाहिए, गर्मी है कुछ तो चाहिए ना, तो लिख के देते थे फटाफट अगले दिन सबको मिल जाता था। दादी का लक्ष्य रहता था मेरे परिवार में, दादी चीफ थी ना, परिवार की चीफ, संस्था की चीफ बात में, इस महान परिवार की चीफ, टीचर मैंने भी अपने को परिवार की चीफ माने, चाहती थी मेरा परिवार सुखी रहे संतुष्ट। जैसे बाप होता है ना मां, सब सोचते हैं ना बच्चे सब संतुष्ट हो, जितना चाहे पढ़े ये वो सब अच्छा हो, कपड़े अच्छे हो, रहने का अच्छा हो, खाने का अच्छा हो। दादी बहुत केयर करते, जब तक दादी थी पिकनिक बहुत हुई, अब तो होती नहीं जाए, खत्म हो गई, दादी के जाते पिकनिक खत्म, नहीं तो फीस पार्क चलो आज पहाड़ी में चलो। जब फीस पार्क नहीं था हम लोग पहाड़ियों में या जगह ढूंढ के आते थे, कहाँ चलेंगे, चलो जरा से खाली हुए चलो पिकनिक में। परिवार को संतुष्ट करने की इच्छा, ये नहीं पिकनिक से उनको कुछ हो रहा है, परिवार से सबको प्रसन्न करने का संस्कार, राजे संस्कार है। सबका ध्यान रखना, किसको क्या कमी है, सबकी कमी पूरी हो, कोई बीमार है ड्यूटी लगाई हुई थी, देखो कौन कौन बीमार है उसको बल पहुंचाओ, उसका इलाज करो, उसका ध्यान दो, कमरे वाला बीमार है तो कमरे वालों का काम है उसको खाना देना, सब सिखाते थे हम लोगों को, सब सिखाया। बिस्तर ऐसे ही छोड़ाते थे, दादी चुपचाप हमारे कमरों में जाने लगी, भागे गए सभी, दादी पहुंच गई, दादी पहुंच गई, सो दादी को ले गए, देखा तो सबके कम्बल ऐसे ही पड़े हैं, कुमार तो ऐसे ही करते हैं ना बिस्तर ठीक ही नहीं। दादी सिखा डांटती नहीं थी, सिखाती थी, ये रात की चादर है बेडशीट, अब इसके ऊपर सफ़ेद डाल के आना है, चादर या कम्बल ऐसे तय करके ऐसे रखो, फिर देखा क्या क्या कमी है इनके पास, अटैची नहीं है, जोर नहीं है, साधन नहीं है, साधारण था ना तब, अटैची अटैची भी ज्यादा नहीं होते थे, तो वो सब फिर दिलाते थे। तो राजा संस्कार, संतुष्ट
करने के संस्कार देख ले किस किस में है।